हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज मेरे साथ डीटी के लिए बहुत बुराना सर मेरे साथ बैठे हैं। और दोस्तों, अब आपके एग्जाम के लिए 55 डेज बचे हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि ये 55 डेज में आपने कैसे पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा रिविजन करना चाहिए और आपका ये लास्ट क्रूशियल स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए। तो यस बाबू सर, डीटी के लिए कैसा रहेगा? यस सर, तो पहली चीज तो मैं बता दूं, 55 डेज कम नहीं होते। अगर आज से भी बच्चे अगर लग जाए तो सर इजीली क्रैक कर सकते हैं एग्जाम। तो डीटी के लिए जैसा मैं आपको बताऊं, रिवीजन लेक्चर मैंने डाल रखे हैं, यूट्यूब पे जाएंगे वहां पे आपको रिवीजन का पूरा प्लान मिल जाएगा। रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी डाल रखे हैं। सर नवंबर के लिए क्या कुछ एडिशनल अमेंडमेंट है? आंसर इज नो। सिर्फ 3 छोटे छोटे अमेंडमेंट है और जिसका मैं वीडियो आपको डाल दूंगा इसी वीक में, इसी वीकेंड तक आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। उसके साथ साथ में इस बार कुछ नए केस लॉज आए हैं, 13 केस लॉज है जो आईसीए ने डाले हैं और मुझे लगता है कि वो 13 केस लॉज में से 2 केस लॉज आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो उसका भी वीडियो मैं इसी वीकेंड तक आपको डाल दूंगा। तो एक बात बताओ, सबसे पहले आप रिविजन लेक्चर देखिए और रिविजन लेक्चर देखने के बाद आप बुक से पढ़िए, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम में आपको जाना है ना, उसमें बुक से सर पढ़ना रहता है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, लास्ट डे तक रिविजन लेक्चर देखते हैं, जिसको मैं रिकमेंड नहीं करता। क्या पहली बार रिविजन कर रहे हैं तब आप रिविजन लेक्चर देखिए, लेकिन फिर उसके साथ में आपको बुक से पढ़ना है, बुक से रिवाइज करना है, बुक के क्वेश्चन करने हैं, आरटीपी एमटीपी जो आईसीए ने दिया है वो आपको करना है और उसके बाद आपको एग्जाम के लिए जाना है। तो सर डीटी में तो इतना कुछ अमेंडमेंट है नहीं, आईडीटी में क्या है सर? दोस्तों आपको पहले बता दो, अमेंडमेंट्स आईडीटी में भी कोई ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 13 पेजेस के अमेंडमेंट्स है। और दोस्तों लास्ट मंथ में मैंने 25 डेज का मिशन संभव प्लान, जो एक बहुत अच्छा प्लान बना के दिया था स्टूडेंट्स के लिए, तो उस अगर प्लान के हिसाब से आप जाते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसमें कौन से टॉपिक प्रायोरिटी पे करने चाहिए, कौन से टॉपिक प्रायोरिटी बी और सी में आखिरी में करने चाहिए, बहुत अच्छे से मैंने आपको प्लान करके दिया और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके उसमें मैंने डिस्कस किए। तो दोस्तों मैं आपको ये कहूंगा कि जो भी टॉपिक आपको टफ लगता है तो वो टॉपिक आप रिवीजन देखिए और क्वेश्चनर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप जरूर कीजिए, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। मिशन संभव का जो यहाँ पे लिंक प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वो जरूर देखिएगा। सो दोस्तों ये था 55 डेज का प्लान, तो इस बार आप अमेंडमेंट्स आरटीपी जरूर देखिएगा और जैसे सर ने कहा यहाँ पे कि रिवीजन के साथ साथ रेगुलर बुक आपकी जो है कुछ मेन टॉपिक्स के लिए जरूर देखिएगा, तो आपको डेफिनेटली उसका फायदा होगा। यस, और मैं आपको बोलना चाहूंगा जो मई 2023 का सर एमटीपी और आरटीपी है और नवंबर 2023 का एमटीपी, वो बिल्कुल आपको करके जाना है। बिकॉज बहुत बार मैंने देखा है सर, मई में जो आरटीपी में आया था ना वो एग्जाम में आ जाता है नवंबर में, ऐसा बहुत बार होता है, तो वो आपको अच्छे से देख के जाना है। सुपर 30 मैंने आपके लिए बना रखे हैं और वो सुपर 30 है वो ऑलरेडी वेबसाइट पे दे रखे हैं, वहां से आप डाउनलोड करके और उसको प्रैक्टिस करिए। वो सुपर 30 बेस्ट क्वेश्चन है, जो 30 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। थैंक यू। सो दोस्तों ये था फाइनल से रिलेटेड, तो इंटर से रिलेटेड भी सर के रिविजन लेक्चर्स है और हमारा आर आर रिविजन बैच है जो नवंबर को भी अप्लीकेबल है, तो आप वो जरूर देखिएगा। थैंक यू।